हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे FCI का एग्जाम छूट चुका है। जैसे हमारे साथ कुछ कैंडिडेट मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे क्या पेपर का लेवल IG2 मॉडरेट है या मॉडरेट टू हार्ड रहा। तो आइए जानते हैं क्या लेवल रहा आज का। तो सर बताइए कैसा रहा। रीजनिंग बहुत सरल आई थी। रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए? वही नॉर्मल होता है, सेटिंग अरेंजमेंट के ज्यादा थे। अरेंजमेंट में जो गोला वाला प्रश्न था उसमें कितने आदमी बैठा था, 6 आदमी या 8 आदमी? उसमें 8 आदमी वाला, 8 आदमी बैठा था। तो वो वाला प्रश्न का इजी था या थोड़ा सा कह सकते हैं फंसाने वाला था? फंसाने वाला था। और सीरीज वगैरह से कोई क्वेश्चन आया हुआ? सीरीज से मैथ में आया हुआ था, नंबर सीरीज से। कोई डिविजिबिलिटी पूछी गई थी क्या? डिविजिबिलिटी नहीं, कोई डिविजिबिलिटी कोई क्वेश्चन नहीं। LCM से कुछ आया? कोई क्वेश्चन नहीं था इस टाइप का। तो मैथ में कहां से क्वेश्चन? समीकरण वाले बनाने वाले आए हुए थे। समीकरण बनाने वाले, इक्वेशन को हल करने वाला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, 2 समीकरण था, उसमें बनाना था एक्स और वाई कौन सा बिग है और कौन सा इक्वल है। XY करके बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं इक्वेशन। और उसके बाद बात करते हैं आपका इंग्लिश की, बात करते हैं इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्या कौन सा। मैं अपने इंग्लिश का तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत टफ था शायद मेरे अकॉर्डिंग। इंग्लिश पैराग्राफ मैंने नहीं छुआ उसको, क्योंकि टाइम टूट जाना था। ये पैराग्राफ जो था वो किस पर आधारित था ये बता। मैंने उसको देखा ही नहीं। लगभग 5 क्वेश्चन रहे होंगे। हाँ, और उसके बाद वो कैप कितना पार्ट रहा इसमें? वो कैप नहीं था उसमें, वो उसको क्या बोलते हैं जो करेक्शन, करेक्ट और राइट वाले जो होते हैं, और उसको ABCD के रूप में कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस टाइप के PQRS कह सकते हैं, इस टाइप PQRS। उसके बाद 1 वर्ड और idiom फ्रेज सुनोने में कोई ज्यादा नहीं दिखा, कोई देखने में नहीं। उसके बाद स्पेलिंग रर, एक पैराग्राफ में कोई अपोजिट शब्द के लिए दे दिया गया था एज ए, एक अपोजिट के लिए एक सिनोनिम ऐसे कुछ आया था। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की, हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर। समझिए कि जैसे T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पे इसमें आया था, और यूनाइटेड किंगडम के कौन फर्स्ट है अभी, वो सुनक ऋषि मुनि जो है, और उसका क्या नाम है यार, कोई योजना संबंधित तो नहीं पूछा गया? योजना संबंधित नहीं है, जनगणना वगैरह से पूछा। जनगणना का आया हुआ था, क्या 2011 का। अरे यार याद नहीं आ रहा, सबसे छोटा राज्य 2011 में कौन सा था, मतलब जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 का सबसे छोटा राज्य कौन सा। उसके बाद बात करते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको याद हो? और कोई एक जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला कितना, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी गांधी युग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। कोई पुस्तक वगैरह ऑथर वगैरह से पूछा गया हो? नहीं, पुस्तक का नहीं था, और एक उसको क्या बोलते हैं बजट वगैरह से आया हुआ हो या पद्मश्री पद्मभूषण इससे कोई क्वेश्चन अवार्ड एक आया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, 2020 का था वो अवार्ड। 2020 का एक अवार्ड भी पूछा गया। उसके बाद बात करते हैं फिल्म जगत से आया हो, करंट के समथिंग 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं, करंट को आप बिल्कुल तैयार रखिए। केमिस्ट्री का था कि कोई रासायनिक रासायनिक बनाने वाला टाइप का था, याद नहीं आ रहा मुझे। रासायनिक समीकरण होगा, ये समीकरण में कौन सा प्राप्त होगा, कितना अटेम्प्ट किया था आपने? मैंने तो GK टोटल अटेम्प्ट कर लिए, एक दो अंधी भी मारे। अच्छा, क्योंकि अंदाजा था कि शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने सोचा शायद, हाँ मैंने कर दिया। बहुत धन्यवाद भैया आपका। क्या नाम है आपका? सर्वेश द्विवेदी। सर्वेश द्विवेदी ने काफी अच्छा बताया यहाँ पे। और लेवल की बात करें पेपर का, तो पेपर G2 मॉडरेट ही कह सकते हैं। और देखिए कोई कैंडिडेट हो तो उससे बातचीत करेंगे क्या पेपर का लेवल रहा। तो जैसे कि पेपर का लेवल G2 मॉडरेट है, आराम से आइए, क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कीजिए, बढ़िया पेपर आ रहा है। तब तक के लिए आगे स्टूडेंट मिले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।